हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के एक अधिवक्ता ने लॉकडाउन की स्थितियों में मुक पक्षियों और गलियों में घूमते निराश्रित गौवंश और कुत्तों को देखकर एक ऐसी भोजनालय की नींव रखी है जो सुबह से लगाकर शाम तक सिर्फ बेसुबान जीवों के लिए चलेगी। दरअसल बाड़मेर निवासी मुकेश जैन वरिष्ठ अधिवक्ता है और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गौवंश शहर में घूम रहे कुत्तों और पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीना ने हरी झंडी दिखाकर खास भोजनालय को रवाना किया। इस भोजनालय में रोज हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जागरूक टीवी से बात करते हुए जिला कलेक्टर बाड़मेर विश्राम मीना ने ये कहा, क्योंकि आमजन के लिए तो सभी सहयोग कर रहे हैं, परंतु निरीह पशु प्राणी और पक्षियों के लिए जो मदद के लिए इन्होंने पहल की है, मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज निश्चित रूप से गायों के लिए हरा चारा और पक्षियों के लिए चुग्गा, जो कुत्ते वगैरह हैं, ऐसे भूख जो निरीह पशु है उनके लिए भी रोटी वगैरह की उन्होंने व्यवस्था की है, तो मैं संस्था को बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता बाड़मेर मुकेश जैन इन्होंने जागरूक टीवी से बात करते हुए ये बात कही। जो हमारे प्राणी मात्र है, जैसे गाय है, नंदी है, हमारे पंछी है, प्लस जो हमारा निराश्रित कुत्ते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। अगर कहीं चल भी रही है तो अल्प मात्रा में चल रही है। जब परसों दुर्गाष्टमी के दिन मेरे मन में ये बात आई तो मैंने अपने सारे साथी जो हमारे साथ में खड़े हैं, और प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमान छगनलाल जी घिया, उनसे मैंने संपर्क किया, जो बाड़मेर आए हुए हैं, सूरत प्रवासी अपने, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने तुरंत यश किया, और यश करने से पहले मैंने कलेक्टर साहब से इस संबंध में अनुमति ले ली। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।